तो पीसीबी देखें, ये ब्लिंक हो रही है। आइए सबसे पहले जानते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये पीसीबी एलजी साइड बाय साइड की है। आज कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा, जरूर से पूरी देखें। सबसे पहले जान लीजिएगा कि एलजी पीसीबी में 6 टाइम ब्लिंकिंग में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है। बहुत जन बोलते हैं कि साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर में एलजी अगर 6 टाइम ब्लिंक करती है तो पीसीबी रिपेयर है। ये बहुत ही गलत है, चांसेस बहुत ही कम है। देखिए साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर है, इसमें पीसीबी अगर 6 टाइम ब्लिंक होगी तो मैं आज आपको प्रूफ कर दूंगा कि क्या प्रॉब्लम आप फेस करने वाले हैं। आप देखना, हमने मॉडल भी नंबर भी कैप्चर करके दे दिया। अगर कोई भी रेफ्रिजरेटर है एलजी का 6 टाइम ब्लिंकिंग है तो ये पॉसिबिलिटीज है। देखना गाइस, हमने फिजिकली चेक किया कि कंप्रेसर का डिस्चार्ज कट करके हमने चार्जिंग लाइन में कनेक्ट किया प्रेशर गेज को, और उसको देखा तो 40 PSI ही था। हमने सेक्शन लाइन भी काटा है और आप देख सकते हैं फैन भी चल रहा है, सप्लाई पीसीबी दे रहा है। तो पीसीबी का सप्लाई का प्रॉब्लम नहीं है, ये कंप्रेसर का प्रॉब्लम है। ऊपर से आप देख लेना कि 600A गैस है, फैन भी चल रहा है, इसका मतलब पीसीबी अच्छी तरह सप्लाई दे रहा है। साइड बाय साइड फ्रिज है, इसका मतलब क्या है, साइड बाय साइड फ्रिज में अगर 6 टाइम ब्लिंकिंग है तो कंप्रेसर प्रॉब्लम हो सकता है। आप जरूर से जान लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना, नया चैनल है, और सबसे अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए, बेहतरीन वीडियोस के लिए, मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें। बहुत ही शुक्रिया।